हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज कॉमर्स की इस ई लर्निंग क्लास में आपका वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी रहेगा। तो इस टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव्स। क्या है डेरिवेटिव्स? और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि डेरिवेटिव्स तो एक मैथमेटिकल टर्म है और इस डेरिवेटिव का नाम सुनकर ही कई स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि कॉमर्स में डेरिवेटिव्स का क्या काम है और कॉमर्स में डेरिवेटिव्स कहाँ पर यूज होगा, और इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते और समझते हैं कि डेरिवेटिव्स एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, डेरिवेटिव्स को समझना बहुत ही आसान है। हमारे लाइफ में हम डेरिवेटिव्स को डेली यूज़ करते हैं, मगर हमको पता नहीं होता है कि यही डेरिवेटिव्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो किसी और चीज़ से आई हो या फिर किसी चीज पर बेस्ड हो। यानी कि डेरिवेटिव्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी वैल्यू खुद की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि उसकी वैल्यू किसी और चीज से निकाली जाती है, जिसको हम अंडरलाइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडरलाइंग कहते हैं। और हर डेरिवेटिव्स की प्राइस उसके अंडरलाइंग एसेट या फिर ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होती है। तो समझ में आ रहा है डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू किसी और चीज से निकाली गई हो। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। और अब यहां पर हम एग्जाम्पल लेंगे शेयर्स का। और आप जानते हैं कि हर एक शेयर्स की उसकी एक अलग से वैल्यू होती है। और अब ये वैल्यू कहाँ से डिराइव होगी, कहाँ से निकाली जाएगी? ऑफ कोर्स ये शेयर्स की वैल्यू कंपनी की वैल्यू से डिराइव की जाती है, कंपनी के वैल्यू से निकाली जाती है। तो कंपनी की वैल्यू से शेयर्स की वैल्यू डिराइव होती है, निकाली जाती है। तो अब शेयर क्या है? शेयर अब एक डेरिवेटिव है। और उसका अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट क्या है? उसका अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट कंपनी है। शेयर्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, करेंसीज, इंटरेस्ट रेट्स, मार्केट इंडाइसेस, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसकी वैल्यू दूसरे असेट से निकाली जाती है। ये एक ऐसी सिक्योरिटी है जिसकी प्राइस दूसरे असेट पर डिपेंड करती है। डेरिवेटिव्स की वैल्यू अदर असेट्स की वैल्यू पर बेस्ड होती है। डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग डिफरेंट होती है। ज्यादातर इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं, वो डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग बहुत ही कम करते हैं या बिल्कुल नहीं करते। और जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है। और बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। और ये सारा खेल पैसे कमाने का है और ये ट्रेडर्स पर डिपेंड करता है कि वो इस खेल को कैसे खेलते हैं। और जब बात प्रॉफिट कमाने की आती है, तो वहां पर रिस्क होगा। क्या होगा? रिस्क होगा। और डेरिवेटिव्स का सबसे बड़ा काम रिस्क को कम करना होता है। डेरिवेटिव्स रिस्क को कम करते हैं। और डेरिवेटिव्स को कैसे कम किया जाएगा? डेरिवेटिव्स को कम नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है, उस रिस्क को कम किया जाएगा।
और अब इस रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है, तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं रिस्क को कम करने के लिए। जैसे कि रिस्क को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या फिर उसको डाइवर्ट किया जा सकता है, या फिर रिस्क को एलोकेशन किया जाएगा, या फिर रिस्क का न्यूट्रलाइजेशन किया जाएगा। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि डेरिवेटिव्स में रिस्क को कम किया जाएगा। कौन से रिस्क को कम किया जाएगा? ट्रेडिंग में जो होने वाला रिस्क है उसको कम किया जाएगा। तो समझ में आ रहा है डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? और कई सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर, डेरिवेटिव्स हमको कहाँ पर मिलेंगे, कहाँ पर डेरिवेटिव्स का सेल परचेज होगा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में डेरिवेटिव्स मिलेंगे, वहाँ पर इनको सेल परचेज किया जाता है। या फिर डेरिवेटिव्स को ओवर द काउंटर खरीदा और बेचा जा सकता है। अब ये ओवर द काउंटर क्या चीज़ है? जो भी ट्रेडर है या फिर इन्वेस्टर है, वो डेरिवेटिव्स को खरीदेगा। कैसे खरीदेगा? किसी भी ब्रोकरेज डीलर नेटवर्क के थ्रू खरीद सकता है, उसी को हम ओवर द काउंटर कहते हैं। और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग के लिए मिनिमम अमाउंट रिक्वायरमेंट 5 लाख रुपीस है। कितना है? 5 लाख रुपये है। तो डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत पड़ती है? 5 लाख रुपये चाहिए होते हैं। मिनिमम 5 लाख रुपीस आपको चाहिए होते हैं, तभी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग की जा सकती है। तो समझ में आया डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। तो हमारी इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।